कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत कुछ नहीं, जैसे ये हाथी झुंड के पास ना जाए। अच्छा, यहाँ तो फुल तबाही वाला चढ़ाई है यार। हाँ, ऊपर गाइस हाईवे पहुंच गए मैं। यार इतना दिक्कत के बाद हाईवे पकड़ा यार। जामतारा में हूँ मैं, ये ग्रेडी का रूट पकड़ चुका हूँ और मैं बहुत जल्द पारसनाथ पहुंच जाऊँगा। ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है, ऐसा फ्लाईओवर पे चढ़े हैं। बहुत खूबसूरत सा यार, एक नंबर है, बहुत लंबा है लगता है। यार उतना देर से बिना ग्लव्स का एक हाथ चला रहा है, उसमें करंट जैसा मार रहा है, करंट सा लग रहा है इस हाथ में, झनझना रहा है पर हाथ करंट मार रहा है। तो यार यहाँ से राइड लूँगा पारसनाथ। अब यहाँ पे आने वाला है 2 किलोमीटर में पारसनाथ पहाड़। तो चलो यार चलता हूँ, देखता हूँ किस तरह का कंडीशन है, क्या है, सब देख लेता हूँ। यहाँ सवारी जीप उप लगा हुआ है, भैया ने बोला सीधे चलते जाइए, 2 से 3 किलोमीटर में मिल जाएगा आपको पहाड़। CRPF कैंप है यहाँ बगल में, राइट साइड में। यार यहाँ बड़ा बड़ा मंदिर है यार, फुल्ली टूरिस्ट प्लेस है, मतलब कि एक से गाड़ी पार हो रहा है, मतलब दूर दूर से लोग आए हैं घूमने के लिए इस जगह को। देखो गाड़ी चढ़ाने का क्या प्रोसेस है ऊपर में, वो तो अब जाने पता चल जाएगा। ओ भाई बहुत ऊपर है यार, मतलब कि मजाक नहीं, ऊपर चढ़ना बहुत ऊपर है। ये मुझे हिमाचल वगैरह का फील दिला रहा है, जिस तरह से यहाँ पे रोड है, जिस तरह से ऊपर ऊपर घर होते जा रहा है धीरे धीरे, ये मुझे बाहर का फील दिला रहा है पूरा। बगल से बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है बगल में यार, अगल बगल, और फ्रंट पे मैं चले जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने और व्लॉग में देखा था, सीन्स कुछ ऐसा ही था। यहाँ से चढ़ाने का है ऊपर, टोटल बहुत है यार, बट देखना पड़ेगा। ऊपर लेके जाना है, ऊपर लेके जाना। हाँ गाड़ी तो अलाउ नहीं। कैसे जा रहा है सब लोग? यहाँ के लोग चलते हैं ना। जाइए इधर जाने के पता से। कहाँ तक, कहाँ रुकता है? वही ऊपर में तो दिया, वहाँ पे रोक लेगा, जाने देगा तो ठीक। आप यहीं पे रहते हैं क्या? अच्छा चलो यार देखते हैं ऊपर जाने देता है कि नहीं। वैसे बोल तो रहा है कि नहीं जाने देगा, बट अब यहाँ से चढ़ने पर पता चलेगा जाने देता है कि नहीं। नहीं जाना ऊपर, जाने देगा तब ना भैया, आगे चेक नाका है, देखिए कैसे पार होने देगा तो अच्छा है। रोक लेता है क्या? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत कुछ नहीं, जैसे ये तो रोड से आपको पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा ना हम लोग घूम के आए। देखते हैं जाने देता है कि नहीं भाई, ये चढ़ाई तो बड़ा हेवी है यार। ड्यूक दी पावर, ड्यूक की पावर दिखा दे पावर। देखा जाए हाथी झुंड के पास ना जाए। अच्छा अच्छा यहाँ तो फुल तबाही वाला चढ़ाई है यार। देखो मेरे को कहाँ तक जाने के लिए देता है। ऊपर ऊपर अलाउ नहीं है, बाइक नीचे रखिए, पैदल जाइए। पैदल मुड़ना पड़ेगा यहाँ से? अरे हम तो मोटो ब्लॉक वहाँ से मोड़ ले, वो वहाँ पे जो पॉइंट है आ रहे मोड़ के।
अच्छा कितना ऊपर जाना पड़ता है पैदल? नहीं है क्या? नहीं वो ज़्यादा हीट होता है इंजन ना, तो उसका फैन चलता है कूलिंग के लिए। भाई मैं तो पैदल नहीं जाऊंगा यार, मैं तो चढ़ने से रहा। हाँ नहीं अच्छा भैया पहले तो ऊपर जाने देते थे, अब ऐसा क्यों? यानी कोई नहीं बाइक जा सकता? लेके कितना ऊपर चढ़ना पड़ता है यहाँ से पैदल? 9 किलोमीटर मायने रखता है। हालत खराब हालत खराब कर देगा। अच्छा बाहर से कोई पॉइंट है ऊपर का व्यू देखने के लिए? बाहर से हाँ ऐसा है, हमें ऊपर का चोटी दिखे कहीं कोई पॉइंट से? हाँ ठीक है भैया थैंक यू। कोई ऐसा कोई सीजन जिसमें ऊपर चढ़ने थे बाइक लेकर के, कोई ऐसा वक्त? अभी तो फिर बड़ा का उसका समय है। अच्छा मार्च अप्रैल में हो सकता है। अरे मोटो व्लॉगिंग कर, उसमें परमिशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है भैया। यार मेरे को तो ऊपर जाने नहीं दिया और मैं बाइक छोड़ के तो आ नहीं सकता हूँ। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यार वैसे चढ़ने में मज़ा तो काफ़ी आ रहा था यार, हेवी मज़ा आ रहा था, फीलिंग ना बहुत सॉलिड था। देखो यार रोड देखो बस, बोला कि पैदल जाने के लिए, पैदल जाने पैदल। हाँ आदमी था कोई, नहीं जाने देता है। जाने नहीं दिया मेरे को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देख सकते हो मंदिर एक से गया यहाँ पर। दूसरी बात, मैं पैदल जाने से रहा, मैं तो पैदल नहीं जाऊँगा यार, कुछ भी हो जाए जो कुछ भी हो पैदल नहीं जाऊँगा यार। इतना हेवी कौन जाएगा पैदल यार। पैदल तो हम नहीं जाएंगे यार, पैदल समझ, 9 किलोमीटर पैदल, बाप रे बाप। वैसे यहाँ बिल्डिंग बहुत बड़ा बड़ा है, मंदिर बहुत बड़ा बड़ा मंदिर है, हर तरह का है। VIP लोग के लिए भी होटल है, जो दूर से आते हैं VIP लोग के लिए। पहले मैं इस रूट से निकलता हूँ, पहले हाईवे पकड़ता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करना है, घर के लिए वापस निकलना है कि नहीं, कहाँ जाना है। पहले इस रूट को पहले छोड़ता हूँ, पहले सबसे पहले। यहाँ भी एक मंदिर है शायद, होटल है। अच्छा 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 होटल वगैरह है, शादी उदी है शायद। तो यार कुछ ऐसा रूट था पारसनाथ का, बैड लक था। आजकल ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं बाइक लेकर के, इसलिए मेरे को भी जाने नहीं मिला। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम गाइस, ये होते रहता है ज़िंदगी में, ये सब चलते ही रहता है। इतना ज़िंदगी में इतना लोड नहीं लेना चाहिए। इसी रूट से मैं आया था, अब यहाँ पे सोचता हूँ करना क्या है अब आगे। चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम।
कोई नहीं गाइस, मतलब कि उतना ऊपर तक गया ना, कभी ना शुक्रिया नहीं करना चाहिए इंसान को। ठीक है भाई, हम दोनों हाथ छोड़ कर गाड़ी चला रहे थे, मजा लेकिन बहुत आया। अभी मेरे को किसी अच्छी सी लोकेशन पर रुक करके, कहीं पे अच्छा जगह रुक करके कुछ नाश्ता वास्ता करना होगा, खाना खाना या ये कुछ खाना होगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत लंबा सफ़र करना है तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, भूख बहुत जोर की लगी हुई है और ब्रेड चाय ही खा के आया हूँ। तो अब मैं कहीं होटल वगैरह कहीं पर रोकूँगा गाड़ी, वहाँ पे खाऊँगा। अब जाके मैंने ग्लव्स पहना है दूसरा हाथ में भी, बिना ग्लव्स का समझो ये तो ठीक था, ये हाथ का तो हालत ख़राब हो गया था, करीन सा लग रहा था इसमें, बट क्या करूँ, सीन बहुत तगड़ा है। पहाड़ी पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ है, सिर्फ पहाड़ है। देखो वहाँ पारसनाथ पहाड़ है, वहाँ पर इधर है, बट यहाँ से दिखेगा तो नहीं, वहाँ पर है पारसनाथ। कोई नहीं यार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम चढ़ रहे हैं खूबसूरत सा ब्रिज पे, जहाँ पे अभी MT और KTM मेरे आगे पीछे हो रहे थे, तो ये है वो खूबसूरत सा ब्रिज। ये हम पहुँचे हाईवे, यहाँ से तो हम लेफ़्ट लिए थे ना शायद, हाँ हाँ, यहाँ से हमें हाईवे पकड़ना है। चलो हो सकता है आगे से होगा, ये अंदर घुसते हैं यहाँ। रामगढ़ 112 किलोमीटर। अब मेरे को ये हाईवे चढ़ना है, अगर मेरे को जाना है हज़ारीबाग तो सीधे निकलता हूँ हज़ारीबाग की ओर, रास्ते में कहीं रुकूंगा खाने पीने के लिए। तो गाइज यार, यहाँ तक था सेकंड पार्ट, एंड होता हुआ, और अब मैं यहाँ से फ्लाई ओवर के ऊपर चढ़ जाता हूँ, हाईवे पकड़ता हूँ, वहाँ से मैं थर्ड पार्ट चालू होगा। और मुझे कुछ आगे काम भी है, फिर खाना पीना है। आई होप तुम लोग व्लॉग आगे का एंजॉय करोगे, तो व्लॉग पे बने रहना, थर्ड पार्ट भी ज़रूर से देखना यार, बहुत अच्छा आएगा, हंस के वरना गाड़ी बहुत अच्छा है यार। यहाँ से राइड पकड़ता हूँ, फिर एंजॉय करना थर्ड पार्टी, बहुत अच्छा आएगा। तो गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।